दोस्तों, पाकिस्तान में मची पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इमरान खान को अपनी पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। और इसी पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संसद में दी गई एक स्पीच बहुत फेमस हो रही है और मैं चाहता हूँ उसी स्पीच के कुछ पॉइंट्स, कुछ क्लिप्स को आप जरूर सुने। सरकारें बनी है, बदली है, नई सरकारों का गठन हुआ है, अभी बैचलर हो गया, लेकिन लोकतंत्र प्लीज, लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे, अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं, जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ,
आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप मत समझिए। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में, हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, पर अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे, और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।